फोन में फोटोज वीडियोस या फिर डेटा का कितना वेट होता है। और आज इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह देखने वाले हैं जहां पर खाने में मसाले की जगह रेत और कीचड़ डाली जाती है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम छिपकली डाला हुआ दूध या फिर पानी पी गए तो क्या होगा, मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 19। दूसरे सीरीज में मैंने आपको टॉम एंड जेरी से लेकर बहुत से फेमस कार्टून्स के सबसे पहले एपिसोड की सबसे पहली झलक दिखाई थी, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हमारे देश भारत का वो सबसे पहला कार्टून कौन सा था जिसे लोगों के सामने लाया गया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने उस सबसे पहले कार्टून के सबसे पहले कुछ चुनिंदा फ्रेम्स को अपनी आंखों से देखा है? असल में दोस्तों, भारत में सबसे पहली बार साल 1986 में गायब आया नाम के एक एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज को लोगों के सामने लाया गया था। तो बात हो गई इस सीरीज की, अब बात करते हैं कुछ रेयर चीज की। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है वो भारत के सबसे पहले एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज के सबसे पहले एपिसोड के सबसे पहले कुछ चुनिंदा फ्रेम्स की है, जिसे देख आप ही कह सकते हैं कि आज आपने उस चीज को देखा है जिसे प्रेजेंट डेट में शायद हमारा यूथ जानता तक नहीं होगा। तो माय इंडिया आर्मी, इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 18। दूसरी सीरीज में मैंने आपको दुनिया की काफी अजीबोगरीब और काफी ज्यादा जहरीले स्नेक्स तो दिखाई हैं, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया की सबसे छोटी स्नेक ब्रीड को अपनी आंखों से देखा है? दूसरी वेब की स्क्रीन पर आपको जो स्नेक्स दिख रहे हैं उन्हें बर्बाडोस थ्रेड स्नेक्स के नाम से जाना जाता है, और ये यूजली इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि अक्सर लोग इन्हें स्नेक्स मानने से ही नकार देते हैं, लेकिन इससे उलट ये ब्रीड बेहद ही रेयर होने के साथ साथ दुनिया की सबसे छोटी स्नेक ब्रीड भी मानी जाती है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 17। क्या बोलता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां पर मौजूद सभी बोरवेल्स या फिर गड्ढों से अपने आप ही रहस्यमय तरीके से आग निकलना शुरू हो गई है। असल में दोस्तों, इस गांव का नाम झुमटा है जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है। स्ट्रेंज बात ये दोस्तों कि पिछले काफी महीनों से इस गांव में मौजूद ऑलमोस्ट सभी बोरवेल्स अपने आप ही कुछ इस तरीके से जल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर यहां पर कोई भी इंसान किसी भी गड्ढे को खोदने की कोशिश करता है तो उससे भी कुछ इस तरीके से आग निकलने लगती है। डराने वाली बात ये है दोस्तों कि बहुत सी रिसर्च टीम ने ये बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि इस गांव के नीचे किसी भी प्रकार के गैस भंडारण को नहीं किया गया है। तो अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही खड़ा हो जाता है कि आखिर फिर अब ऐसा कैसे हो सकता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 16। तो इस वीडियो क्लिप को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये क्या हो सकता है। नहीं पता तो डोंट वरी, मैं हूं ना। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन ये कुछ और नहीं बल्कि एक शार्क का एग है। असल में दोस्तों एक शार्क अपने एग को नॉर्मल कंडीशन की बजाय कुछ इस तरीके से एक नेचुरल केज जैसी शेप में डिलीवर करती है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि शार्क इन एग्स को एक जगह से दूसरी जगह बेहद ही आसानी से ले जाने के साथ साथ इन्हें इनके एनिमी से भी प्रोटेक्ट कर सके। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने उस चीज की एक बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप को तो देखा है जिसके बारे में इस पूरी दुनिया के लाखों लोगों को पता तक नहीं होता। फैक्ट नंबर 15। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में सबसे पहली बार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का मास प्रोडक्शन साल 1996 में किया गया था, लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे कहूं कि इस चीज को साल 1996 की बजाय साल 1968 में ही किया जा चुका था। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 1968 में लंदन में मौजूद ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स की नर्सेस को हॉस्पिटल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रिक पावर स्कूटर्स दिए गए थे, और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस टाइम पीरियड के दौरान इन नर्सेस को नर्सेस ना बोलकर फ्लाइंग एंजल बोला जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इनिशिएटिव काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था तो आगे चलकर इस पूरे ही कॉन्सेप्ट को ड्रॉप करना पड़ा, और इसीलिए टेक्निकली इस पूरी दुनिया में सबसे पहली बार इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मैस प्रोडक्शन को साल 1996 में नहीं बल्कि साल 1968 में किया गया था। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि ईरान में मौजूद हरमज आइलैंड इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहां के लोग खाने में कुछ और नहीं बल्कि रेत और कीचड़ को ही डालते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इस आइलैंड के ऊपर कुछ इस तरीके की रेड और अलग अलग कलर की सैंड्स पाई जाती है जिनमें बहुत बड़े स्केल पर अलग अलग तरीके के ऐसे न्यूट्रिशंस और क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये सैंड यहाँ पर ना सिर्फ काफी ऊंचे दामों पर बिकती है बल्कि खाने में भी मसालों की जगह इसी सैंड या फिर कीचड़ का इस्तेमाल किया जाता है, और ये चीज जितनी ज्यादा अजीब है उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। फैक्ट नंबर 13। क्या बोलता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो हर वक्त ही बिना हेलमेट के ही बाइक को चलाता है लेकिन फिर भी पुलिस उसका चालान काट ही नहीं सकती।
लेकिन आखिर ऐसा क्यों? मिलिए गुजरात में रहने वाले जाकिर मेमोन से, जिनका की सर नेचुरली कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा बड़ा डेवलप हुआ है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इनके सर के साइज का हेलमेट पूरे ही भारत में कहीं पर भी अवेलेबल है ही नहीं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इनके ऊपर बहुत से ट्रायल होने के बाद जाकिर को एक सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसके तहत अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर इनका चालान काटता है तो ये उस सर्टिफिकेट को दिखाकर उससे बच सकते हैं। और वास्तव में ये चीज अपने आप में अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 12, आपको पता है कि यूरोप में मौजूद चेकिया कंट्रीज पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने जानबूझकर अपने नागरिकों को बहुत बड़े स्केल पर सिगरेट्स पिलाई थी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों साल 1999 में ये कंट्री बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस से जूझ रही थी, जिसके चलते हुए इस कंट्री में मौजूद बहुत सी सिगरेट मेकिंग कंपनीज ने गवर्नमेंट के पास जाकर उन्हें सिगरेट से होने वाले फायदों को गिनाना शुरू कर दिया, और इन कंपनीज ने गवर्नमेंट को ये बताया कि अगर लोग ज्यादा सिगरेट को पिएंगे तो उनका देहांत उम्र से पहले हो जाएगा, जिसके चलते हुए गवर्नमेंट को ना ही पेंशन देनी पड़ेगी और ना ही वृद्ध आश्रम का खर्चा उठाना पड़ेगा। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ की गवर्नमेंट ने इन कंपनीज की बातों में आकर यहाँ पर बहुत बड़े स्केल में सिगरेट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते हुए इस कंट्री ने आगामी 3 सालों में $37 मिलियन की बचत भी की थी। और ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, जहां पर इतिहास में इस तरीके की अजीब सी हरकत की गई थी। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जॉनी कोलोन नाम के एक ऐसे बेंथम वेट बॉक्सिंग चैंपियन भी मौजूद थे जिनको कि कोई भी इंसान चाहकर भी कभी भी लिफ्ट कर ही नहीं पाता था। असल में दोस्तों ये एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक का इस्तेमाल करते थे जिसके चलते हुए जब ये 76 साल के थे तब भी विश्व के जाने माने बॉक्सर मोहम्मद अली तक इन्हें लिफ्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों कि साल 1921 में स्विस एथलीट जॉन हैरिसन इस पूरी दुनिया के सबसे पहले और आखिरी ऐसे एथलीट बने जिन्होंने जॉनी को कुछ इस तरीके से लिफ्ट कर दिया था, और इसीलिए इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको बताया कि भारत के मेघालय में एक ऐसा आदिवासी समुदाय भी मौजूद है जिसके रीति रिवाज भारत में मौजूद सभी रीति रिवाजों से ऑलमोस्ट उल्टे हैं। असल में दोस्तों इस समुदाय का नाम खासी है, और यहाँ पर शादी के बाद कोई लड़की नहीं बल्कि उल्टा लड़का ससुराल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर पुश्तैनी संपत्ति भी लड़कों की बजाय घर की लड़कियों को मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पर माता पिता का ख्याल और घर को चलाने का पूरा ही काम घर की बेटी को दिया जाता है, जबकि घर के पुरुष घर के कामकाज और साफ सफाई में अपना हाथ बटाते हैं। और वास्तव में ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इक्वालिटी का। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अगर बाई चांस अर्थ पर कोई ऐसी आपदा आ जाती है जिसके चलते हुए देखते ही देखते पूरी अर्थ खत्म हो जाती है तब भी इस अर्थ के 12,70,650 लोग सुरक्षित बच जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार इस पूरी दुनिया में हर समय लगभग 12,70,650 लोग कभी भी अर्थ पर मौजूद होते ही नहीं हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इस पूरी दुनिया में हर समय ही लगभग 9,728 प्लेन्स हवा में उड़ रहे होते हैं, जिसमें हर समय ही लगभग 12,70,406 लोग सफर कर रहे होते हैं, साथ ही साथ 112 लोग हर वक्त ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद होते हैं, और इसीलिए यही वो लकी इंसान होंगे जो अर्थ के सडन खत्म होने के बावजूद भी कुछ समय तक जिंदा बचेंगे। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको बताया कि साल 2013 में नॉर्वे में सबसे पहली बार सस्पेंशन मील नाम की स्कीम को भी लाया गया था। असल में दोस्तों इस स्कीम के अनुसार कोई भी इंसान किसी भी रेस्टोरेंट या फिर कैफे में जाकर नॉर्मल मील या फिर कॉफी को ऑर्डर करने के साथ साथ सस्पेंशन मील या फिर कॉफी को भी ऑर्डर कर सकता है। लेकिन आखिर ये बला क्या है? असल में दोस्तों ये वो मील या फिर कॉफी होती है जिसके पैसे तो आपसे लिए जाते हैं लेकिन इसको कभी भी आपको सर्व नहीं किया जाता। असल में दोस्तों ये एक तरीके का एडवांस ऑर्डर होता है जो कि एक शख्स उन लोगों के लिए करता है जो कि आर्थिक रूप से इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं कि वो खुद के लिए खाना या फिर कॉफी को ऑर्डर कर सकें। अब अगर कोई भी फाइनेंशियल वीक इंसान किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर ये पूछता है कि क्या वहां पर सस्पेंशन मील या फिर कॉफी अवेलेबल है तो उसे तुरंत ही वो फूड या फिर कॉफी दे दी जाती है। और वास्तव में ये इनिशिएटिव अपने आप में लाजवाब जरूर है। क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्टैचू दिख रहा है उसे बार्थोलोमेन्यू स्टैचू के नाम से जाना जाता है, जिसको कि साल 1562 में बनाकर तैयार किया गया था। और भले ही ये स्टैचू देखने में आपको काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा हो लेकिन जैसे ही इसकी असली हकीकत आपके सामने आएगी आपकी भी आंखें फटी की
40 रह जाएंगी। असल में दोस्तों इस स्टैचू में बॉडी के ऊपर बनाए गए इन कर्व्स के साथ साथ इनके द्वारा होल्ड की गई इस रोप को भी किसी और चीज से नहीं बल्कि खुद सेंट बार्थोलोम्यू की स्किन से बनाया गया है। स्ट्रेंज बात यह दोस्तों कि प्राचीन समय में भी इस स्टैचू को बनाने में एक ऐसे एडवांस मेथड का इस्तेमाल किया गया था जिसके चलते हुए आज तक भी ना ही इनकी स्किन खराब हुई है और ना ही हमें इसमें किसी भी प्रकार के कलर चेंजेस देखने को मिले हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस स्टैचू को लिविंग स्किन स्टैचू के नाम से भी जाना जाता है, विच इज क्वाइट अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1914 के अकॉर्डिंग अगर आंध्र प्रदेश में कोई भी इंसान मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बनना चाहता है तो उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ उसके टीथ बिल्कुल ही परफेक्ट शेप में होने के साथ साथ बिल्कुल ही साफ होने चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ उस इंसान की चेस्ट शेप और नीज भी बेहद ही एलाइंड और परफेक्ट एंगल पर होनी चाहिए। हालांकि सुनने में मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट ज्यादा लग रही है लेकिन इस एक्ट के तहत ये बिल्कुल ही सच है। फैक्ट नंबर 5। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक हेल्दी ह्यूमन बेबी अप्रोक्स 280 दिन या फिर 40 हफ्तों की प्रेगनेंसी के बाद जन्म लेता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे प्री मैच्योर बेबी कौन सा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या आपने उसे देखा है? मिलिए अमेरिकन बेबी कर्टिस मींस से, जिनका की जन्म महज 148 दिन या फिर 21 हफ्तों के बाद ही हो गया था और इसीलिए इनके नाम इस पूरी दुनिया का सबसे प्री मैच्योर लिविंग बेबी होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। मतलब ये बच्चा तो किसी वॉरियर से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 4। दूसरे सीरीज में मैंने आपको बेहद ही आलीशान होटल्स या फिर घर तो दिखाई हैं, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस एशिया का सबसे महंगा अपार्टमेंट कौन सा है? दूसरे वेब की स्क्रीन पर आपको जो अपार्टमेंट दिख रहा है वो हांगकांग में मौजूद है और इस एक सिंगल 4544 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट की कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 612 करोड़ रुपए है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसके नाम एशिया का सबसे ज्यादा महंगा बिकने वाले अपार्टमेंट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। मतलब गजब ही महंगा है ये तो। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है कि आपको बताया गया अभी हाल ही में यूपी में देश की सबसे पहली ऐसी एम्बुलेंस सर्विस को भी स्टार्ट किया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ काउज यानी कि गायों के लिए ही होगी। तो माय इंडिया आर्मी, अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है तो अब ये छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 2। छिपकली डला दूध या फिर पानी पी गए तो क्या होगा? असल में दोस्तों हमें से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बाई चांस कोई भी छिपकली हमारे दूध या फिर पानी में गिर जाए और उसके बाद अगर हम उस पानी या फिर दूध को कंज्यूम कर लें तो हमारा देहांत हो सकता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होना पॉसिबल है? असल में दोस्तों पूरी दुनिया में लगभग 3000 से भी ज्यादा छिपकलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ दो ही ऐसी प्रजाति होती हैं जिनकी छिपकलियां पॉइजनस यानी कि जहरीली होती हैं। अब यहाँ पर दिल को तसल्ली देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये दो प्रजातियां जो जहरीली होती हैं वो इंडिया के अंदर पाई ही नहीं जाती। तो बाय चांस अगर कोई भी छिपकली आपके दूध या फिर पीने वाले पानी में गिर जाती है तो भले ही उसकी स्किन के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया की वजह से आप काफी ज्यादा बीमार हो जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका देहांत नहीं होगा। सो फाइनली अब आप इस चीज के पीछे की असली सच्चाई भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 1। एक फोन में फोटोज, वीडियोस या फिर डेटा का कितना वेट होता है? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो जरूर सोचा होगा कि अगर हम एक फोन को पूरी तरीके से डेटा से भर दें जबकि उसी मॉडल के दूसरे फोन को पूरी तरीके से खाली रखें तो उन दोनों ही फोन के वेट्स में कितना फर्क आएगा। असल में दोस्तों इसके पीछे के बिल्कुल सटीक आंसर को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर एक फोन डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करता है। असल में दोस्तों कोई भी फोन या फिर डिवाइस डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रीराइटेबल चार्ज फॉर्म में रखते हैं, यानी कि अगर आपने एक बार किसी भी फोटो या फिर वीडियो को अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके भले ही उसे डिलीट क्यों ना कर दिया हो, वो तब भी आपके फोन के अंदर हिडन फॉर्म में तब तक मौजूद रहेगी जब तक कि दूसरी वीडियो या फिर फोटो उसको ओवरराइट ना कर दे। और इसीलिए यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है दोस्तों कि इसी इलेक्ट्रॉनिक डेटा को मेंटेन करने के लिए फोन के अंदर हर वक्त ही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मौजूद रहते हैं, यानी कि भले ही आपका फोन पूरी तरीके से खाली हो या फिर पूरी तरीके से वो डेटा से भरा हुआ हो, आपके फोन के अंदर हर वक्त ही समान क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मौजूद रहते हैं जो कि आपके डेटा को 0 बिट या फिर 1 बिट में हमेशा ही स्टोर करके रखे हुए रहते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर एक फोन को पूरी तरीके से फॉर्मेट क्यों ना कर दिया जाए, उस फोन का वेट तब भी उतना ही रहेगा जितना कि उसका फुल मेमोरी भरी हुई कंडीशन में रहता। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि आपके फोन में फोटोज, वीडियोस या फिर का कितना वेट होता है। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यारों के जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।